दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं कुंभ मेला की। इसकी जहाँ तक हो सकेगी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। वैसे कुंभ मेलाओं की मान्यताएं बहुत प्रकार से है। हमारे ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि जब विष्णु भगवान अमृत बांट रहे थे उस वक्त उस अमृत के कुंभ से, कुंभ का मतलब घड़ा होता है, उस अमृत कुंभ से चार बूंदें धरती पर गिरी थी। और जिसका महत्व बताया कि एक हरिद्वार में बूंद गिरी, एक प्रयागराज में गिरी, एक उज्जैन में गिरी और चौथी नासिक में जाके गिरी। ये चार बूंदें जहाँ गिरी वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। लेकिन दोस्तों हम अगर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो विज्ञान के हिसाब से ये है कि ये चार स्थान प्राचीन हिंदू राजाओं ने और ऋषियों मुनियों ने मिलकर तय किए थे और इसमें अपने अपने अनुभव साझा करने के लिए ये स्थान चुने गए थे। क्योंकि यहाँ इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो होता है पानी। पानी के किनारे पे ऐसा मेला जहाँ भी लगता है सब पानी के किनारे पे ही लगते हैं। ये प्राचीन काल से व्यवस्था ऐसी की गई थी। तो ये चारों जगह मेले लगते हैं और इनको महाकुंभ का नाम दिया गया क्योंकि विश्व भर के साधु संन्यासी यहाँ इकट्ठे होते हैं और आप अपना अनुभव जो होता है वो अनुभव आदान प्रदान करते हैं और भगतजनों में भी देखने सुनने को मिलता है। भगतजन भी इसका आनंद उठाते हैं। श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं, विदेशों से भी बहुत विदेशी लोग आते हैं, इसका आनंद लेते हैं। तो हमारा ये जो ज्ञान होता है ये एक दूसरे को बताने से आगे बढ़ता है। यदि ये प्रथा उस वक्त चलाई गई थी जब न कम्युनिकेशन था, न ट्रांसपोर्टेशन था, कुछ भी नहीं था ऐसा। उस वक्त लोग इकट्ठे होते और अपने ज्ञान को दूसरों से शेयर करते और इस प्रकार ये ज्ञान आगे बढ़ता। मेन मुख्य बात तो यही है। बाकी पुराणों के अनुसार या हमारे ग्रंथों के अनुसार जो कहा गया वो भी सत्य हो सकता है। तो कुंभ के लिए विशेष प्रकार के पर्व, विशेष प्रकार की तिथियां जो होती है वो स्नान के लिए तय की जाती है। उन तिथियों के तहत जो स्नान करता है उसका एक विशेष ही महत्व होता है। अभी जो हरिद्वार 2021 का कुंभ लगा है, हालांकि बहुत इसके अंदर पाबंदियां हैं, अब की बार ये मानिए कि इतिहास में, सनातन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुंभ का मेला फीका रहेगा। जिस मेले में रो हर तिथि पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में होती थी, वहां आज जो मेला भर रहा है इसमें लाखों में ही रहेगी, करोड़ों में नहीं जाएगी। तो अखाड़े द्वारे द्वारा ये जो चार तिथियां तय की गई थी स्नान की, शाही स्नान की चार तिथियां थी। पहली थी 11 मार्च की, मकर संक्रांति थी, उसके ऊपर स्नान था। लेकिन उस स्नान को किसी अप्रिय कारणों से स्थगित कर दिया गया। इतना नहीं और बिल्कुल सादगी पूर्ण तरीके से इस स्नान को किया गया और इसमें भीड़ भी कोई खास नहीं हुई। 20-25 लाख लोग इकट्ठे हुए थे टोटल जिन्होंने स्नान किया, क्योंकि वहाँ न रहने का साधन है, न कोई कहीं कैंप लगा है। साधु संतों के जो कैंप लगते हैं जिनमें श्रद्धालु लोग ठहरते हैं वो भी नहीं है। होटल्स ऐसे हैं कि मजबूरी का फ़ायदा उठा के 2000 से लेके 10-10 हज़ार रुपया पर नाइट का किराया कमरे का
ले रहे थे तो श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत हुई। दूसरा शाही स्नान जो है वो 12 अप्रैल को है। 12 अप्रैल को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या होने के कारण इस दिन भी बहुत विशेष स्थान रखता है ये स्नान, और इसमें मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से अनेक पुण्य लाभ मिलते हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, आप आइए स्नान करिए और अपने पापों को यहाँ पे धोइए। गंगा मैया आपको बुला रही है। इसके बाद में एक दिन छोड़ के मेष की संक्रांति पड़ती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को तीसरा शाही स्नान है, और चौथा और आखिरी स्नान जो है वो है 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल उस दिन चैत्री पूर्णिमा होगी, और चैत्री पूर्णिमा के स्नान के बाद में ये मेला यहीं समापन हो जाएगा, और उसके बाद में अगला मेला 3 साल बाद में फिर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ये 4 जगह मेला भरता है, इसलिए ये 3 साल से बारी बारी से घूमता हुआ 12 साल से एक स्थान पे वापिस आ जाता है। अब की बार इसलिए भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो रही है कि एक तो कोरोना काल चल रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, दूसरा कोई ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा साधन नहीं है, बसें भी बहुत कम जा रही हैं और रेलगाड़ियाँ तो नाम मात्र की चल रही है, तो लोग पहुँचने वाले कहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं। इसलिए जो भी भाई लोग कुंभ में आए और आना चाहें तो वो अपना विशेष ध्यान रखते हुए हरिद्वार कुंभ में आइए, आपका स्वागत है। अभी तक 3-3 तिथियों के स्नान और पड़े हैं, आप आइए और अप्रैल का आनंद लीजिए, अप्रैल के अंदर स्नान कीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके भी मुझे बताना। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।